नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा रीवा में कृषि कानूनों के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने पर बैठे किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि किसान बिल का विरोध में राजधानी दिल्ली में जब तक किसान आंदोलन चलता रहे तब तक रीवा में भी यहां के किसान उनके समर्थन में धरने पर बैठे रहेंगे। किसान नेताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि आज दुनिया के कई देश मोदी सरकार के काले किसान कानूनों को किसान विरोधी करार दे रहे हैं। यहां तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर सरकार के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। ऐसे में भी ये लूली लंगड़ी बहरी सरकार किसान विरोधी कदम उठाने पर आमादा है, जिसका जवाब सरकार को अवश्य मिलेगा। किसान और समाजसेवी लगातार आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए सहयोग कर रहे हैं। आंदोलन को किसी भी तरह रुकने नहीं दिया जाएगा। चौथे दिन अनिश्चितकालीन धरने में सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं। हाँ, आपने देखा है कि हमारे यहाँ देश में कृषि के तीन काले कानून आए हैं। आप सोच सकते हैं लगातार हमारे देश की खेती घाटे की खेती रही है। 4 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हम लोगों ने सोचा था कि हमारे नए प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी हैं उनमें बहुत विश्वास था कि वो आएंगे और देश को खुशहाल करेंगे। काहे कि उन्होंने लोकसभा 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों को फसलों का वाजिब दाम देंगे, 50% मुनाफा देंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं ये काले कानून लाके और किसानों के ऊपर उन्होंने खेती विहीन करने का पूरी तरह से षड्यंत्र रच लिया है, जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ रीवा में जब तक दिल्ली में आंदोलन चलेगा तब तक हमारे साथ ही रीवा में आंदोलन करेंगे और हम लोग गांव-गांव तक आंदोलन को पहुंचाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी से और अपने यहाँ के मुख्य न्यायाधीश महोदय जी से मांग करते हैं कि जो ये काले कानून हैं उनको आप पढ़िए और संज्ञान लीजिए। गलत है तो देखिए, प्रजातंत्र में तानाशाही ना करिए। हम अपने यहाँ के रीवा के सभी जनप्रतिनिधियों से, संसद जी से, सबसे ये मांग करते हैं कि आप तीनों जो देश के काले कानून आए हैं उनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। नहीं तो अब अगर आपने जो पढ़ा है, जो किसानों ने पढ़ा है, वो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो शोषण न करिए, पार्टी के प्रतिनिधि बनने का ढोंग न रचिए। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो सच सच में पढ़िए, नहीं तो आप पार्टी के प्रतिनिधि बन जाइए, अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दीजिए। किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश। देखिए, सरकार यदि सुनती तो हमें आज यहाँ पर न बैठना पड़ता। और अभी किसान नेता सुब्रत जी ने आपको कानून के बारे में बताया कि क्यों हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की तैयारी पूरे देश के अंदर ये चल रही है कि गणतंत्र दिवस अवसर पर हम लोग अभी रिहर्सल करने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में हम पूरे जिलों में देश के अंदर किसान ध्वजारोहण करेगा और कहीं भी प्रशासन के लोगों को, सरकार के लोगों को ध्वजारोहण करने नहीं देगा। ये तैयारी हम लोगों की चल रही है। हम आगाह कर रहे हैं सरकार को कि सरकार कानून वापस ले ले और नहीं तो इस देश के हालात बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। जी, कितने दिन से लगातार धरना चल रहा है? ये लगातार 3 जनवरी से ये धरना चल रहा है राष्ट्रव्यापी काल के अनुसार, और बाकी तो 2-3 माह से हम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं और आगे जो भी वहां से दिशा निर्देश आएंगे उस तरह के आंदोलन हम लोग चलाने का काम करेंगे। शिव सिंह, संयोजक, संयुक्त किसान संघर्ष समिति। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।